तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर है और आप भी अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो और आपको पूरा क्राइटेरिया पूरा हो गया और आप अपने शॉर्ट चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा क्राइटेरिया तो पूरा हो गया तो अब हम अपने शॉर्ट चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? तो हाँ, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपको अपने चैनल को चेक कर लेना है कि आपके चैनल पे किसी अदर प्लेटफॉर्म की वीडियो तो अपलोड नहीं की है। अगर आपने किसी और अदर क्रिएटर का कॉन्टेंट यूज़ किया है, किसी अदर क्रिएटर का वीडियो को कॉपी किया है, तो अगर आप इस तरीके के वीडियोज़ को आपके चैनल पर वीडियोज़ अपलोड है, तो इस तरीके की वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड है और आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। फिर आप सोचोगे कि यार, हमने तो सब कुछ सही से किया था, फिर हमारा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ? आप इस तरीके की गलती करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले चेक कर लेना है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के पहले कि अगर आपके चैनल पे किसी अदर प्लेटफॉर्म की वीडियो है या फिर अदर क्रिएटर को कॉपी किए हो और फिर वीडियो को अपलोड किए हो, तो आपको उन वीडियोज़ को डिलीट कर देना है। अपने चैनल को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की, उसके बाद ही आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो यार, आज के लिए इतना ही और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।